नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा आठ में स्थित विल्स अस्पताल में शाम को 65 वर्षीय महिला के उपचार के दौरान मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। जी हां, आपको बताते चले कि कापियर देहात की मुगीशापुर के रहने वाले सुखनंदन की पत्नी रानी देवी का पत्नी का उपचार करने के लिए मंगलवार को बर्रा आठ के विल्स अस्पताल में लाया गया था। पत्नी के ऑपरेशन के ही बाद से महिला की हालत बिगड़ने लगी। बुधवार की दोपहर से महिला की हालत ज्यादा बिगड़ जाने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने किसी बड़े या दूसरे अस्पताल ले जाने की बात करते हुए पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद जब तक मरीज के परिजन निजी गाड़ी की व्यवस्था कर रहे थे उसी दौरान महिला की हालत बिगड़ गई और महिला ने दम तोड़ दिया। मगर खाना पूर्ति करने के लिए अस्पताल संचालक ने खाली सिलेंडर लगाकर मृतक महिला को कार्डियोलॉजी भेज दिया, जहां पर डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार के परिजन विल्सन हॉस्पिटल के बाहर आकर जमकर हंगामा काटा। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि गलत ऑपरेशन करने और इलाज में लापरवाही बरतने से महिला की मौत होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से आक्रोशित परिजनों ने मृतक का शव अस्पताल के दरवाजे पर रखकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स ने मामले को शांत कराया और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि अस्पताल में तैनात डॉक्टरों का व्यवस्था अस्पताल से अस्पताल की जांच पड़ताल के लिए अस्पताल संचालित हो रहा था। क्या नाम है? प्रदीप गुप्ता। प्रदीप जी, क्या मामला हुआ है, कहां पर आए थे और क्या किस तरीके से भर्ती कराया था आपने? मैंने पथरी के ऑपरेशन के लिए कल की तारीख में विल्स हॉस्पिटल में मौसी जी को भर्ती कराया था। कल 11 बजे इन्होंने 4 बजे करीब ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन करने के बाद से ही उनको तकलीफ होने लगी थी और सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी। रात भर इन्होंने ऑक्सीजन में रखा और सुबह उन्होंने ऑक्सीजन हटाया, 2 घंटे करीब हटाया, उसके बाद उनको फिर तकलीफ होने लगी। फिर ये ओटी ले गए नीचे उनको दोबारा 11 बजे, फिर ये 4 घंटे ऑक्सीजन में रखे रहे। फिर लास्ट में इन्होंने हमको ये बताया शाम को 5 बजे कि इनको हृदय रोग संस्थान ले जाओ, इनको अटैक पड़ गया है। और मैंने इनसे पूछा कि मैं एम्बुलेंस बुला लूं या कोई ऐसी गाड़ी बुला लूं, ऑक्सीजन की दिक्कत, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझसे डॉक्टर साहब जितेंद्र सचान ने ये कहा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और ये ऐसे ही जो है आपकी चली जाएंगी, वहाँ तक पहुँच जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, ठीक है, वहाँ तक चली जाएंगी। हमने 4 बार पूछा, 4 बार उन्होंने यही बताया हमको कि ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैंने अस्पताल से गाड़ी में उनको रखा है लाके, उन्होंने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद जब आधे घंटे तक हम लोगों ने बाहर शोर शराबा किया, बुलाया, चिल्लाया, ऑक्सीजन के लिए चिल्लाया, तब इन्होंने खाली सिलेंडर छोटा फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए उसमें लगा दिया और बोले तुरंत इनको ले जाइए। उन्होंने एक झटका टाइप का मारा तो बोले बस अभी है, जिंदा है, इनको ले जाइए वहाँ हृदय रोग संस्थान और भर्ती करा दीजिए। कितनी लापरवाही मानते हैं, किस तरीके से लापरवाही हुई है? बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई है, थोड़ी बहुत नहीं, इतनी ज़्यादा हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता सब। इन्होंने शुरुआत से ही लापरवाही, कल से ही भर्ती है। कितना चार्ज बना दिया इन्होंने? हमारा चार्ज बनाया था करीब 19,500 का। डॉक्टर इस समय मौके पे हैं? डॉक्टर जब हम लौट के आए, वापस आए हृदय रोग संस्थान से, तो डॉक्टर यहाँ से गायब हो चुके थे। उनको पहले ही पता चल चुका था कि अब उनमें जान बची है नहीं, तो उसी समय भाग गए थे। पूरे मामले की शिकायत पुलिस से करी है? जी। अभी क्या माहौल है अस्पताल का? अभी अस्पताल का ये माहौल है कि ना यहाँ तो डॉक्टर मिले हमको, उनसे बात करने आए थे, उनसे मिलने आए थे, उनको बताने आए थे, तो वो हमको मिले नहीं। जब बाहर हम खड़े हो गए आधे घंटे, फिर मैंने चिल्लाया, तब एक नर्स गई, उनका भीको हटाया जाके ये